सब्सक्राइब एंड द वेलकम टू आवर YouTube चैनल सरअुल सत्तार खान ब्रिज कोर्स इंग्लिश ब्रिज कोर्स क्लास 9th डे 3 एंड डे 4 2022 न्यू एकेडमिक ईयर 2022 हज़ार और तेईस का ब्रिज कोर्स है चलिए शुरुआत करते हैं एक्टिविटी 2 डे 3 एंड डे 4 टाइटल फीलिंग्स ऑफ सैडनेस लर्निंग आउटकम कॉम्पिटेंस स्टेटमेंट टू इनबल स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट द फीलिंग्स ऑफ सैडनेस यानी गम के एहसास के बारे में बातचीत करना और समझना लर्निंग एक्टिविटी है लर्न द फॉलोइंग सनोनियम्स फॉर सैडनेस दिए गए कुछ सिनानियम्स है जिसके बारे में आपने सीखना है एंगविश ग्रीफ हार्टैच हार्ट ब्रेक होपलेसनेस मेलैचुअली मेजरी मोर्निंग ये सारे सारे गम उदासी और अफसोस इजहार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स हैं लर्न द फॉलोइंग थिंग डैट जनरली मेक पीपल सैट दिए गए कुछ चीज़ें हैं जिसे पढ़ कर आप समझिए कि जिससे अक्सर लोगमगीन होते हैं पहला है वन सम वन मेक्स आर फन अगर कोई हमारा फ़न यानी कि अगर कोई हमारा मजाक उड़ाता है सेकेंड वेन अ फ्रेंड बिट्रेस अगर कोई दोस्त धोखा देता है थर्ड वेन द क्लोज़ रिलेटिव और फैमिली मेम्बर्स डोंट ट्रस्ट अगर कोई गरीबी रिश्तेदार या हमारे अफराद ख़ानदान हम पर भरोसा नहीं करते वेन पेरेंट्स डोंट गिव लिबर्टी और परमिशन टू सीक अ करियर इन फेवरेट फील्ड अगर पेरेंट्स लिबर्टी यानी कि आज़ादी और या फिर परमिशन नहीं देते हमको अपना पसंद का पेशा चुनने की फिफ्थ है वैन अदर्स टेक एस फॉर ग्रांटेड अगर दूसरे लोग हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं यानी हमें ऐसा समझते हैं कि हम वो जो चाहेंगे हम वो सब चीज़ें सुनकर करेंगे सॉल्ड एक्टिविटी डेमो अब देखते हैं पहला है द फैसिलेटर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ सैडनेस इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स विद कॉन्फिडेंस एज फॉलोज द फॉलोइंग आर द प्रोबेबल रिस्पॉन्स टू द रिलेटेड सैड सिचुएशंस अब यहाँ पर टीचर को स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करना और सैड फीलिंग्स इमोशंस या ग्रुप में बना के या अकेले उसका हिम्मत जगाना और उसके लिए कुछ रेस्पॉसिस दिए गए हैं पहला है सिचुएशन है हीरो डाइजन मूवी यानी अगर हीरो किसी मूवी में मर जाता है तो कैसा लगता है उसका एहसास क्या होगा आपको गम का एहसास होगा रेस्पॉस अलास हाउ पेनफुल टू सी द हीरोज डेथ कितने अफसोस की बात है कितना दर्द हुआ किसी हीरो की मौत देखकर सिचुएशन योर फ्रेंड डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट आपका दोस्त एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया रेस्पॉन्स है हाउ वर्स्ट गॉड शुड हैव सेव्ड माई फ्रेंड्स लाइफ खुदा ने शायद हमारे दोस्त की जिंदगी बचाई सिचुएशन है योर ब्रदर फेल्ड इन हिज कैंपस इंटरव्यू आपका भाई कैंपस इंटरव्यू में नाकाम हुआ रेस्पॉन्स है हार्ड लक और बैड लक माई ब्रदर बेटर लक नेक्स्ट टाइम आगे आगे के लिए खुशबी खुशकस्मती की बात कही जा सकती है सिचुएशन यू रीचड लेट एट द बस स्टॉप एंड मिसड द बस आप बस स्टॉप पर लेट पहुँचे और आपने बस मिस की रिस्पॉन्स ओह गॉड आई मिस द बस आई शुड हैव रीच आउट इन टाइम अ ख़ुदा मैं बस में छोड़ दिया शायद मैं वक्त पर पहुँच जाता सिचुएशन है यू फॉरगॉट योर पैन इन द क्लास आप अपना पेन खलाम क्लास में भूल गए रेस्पॉन्स है ओह नो हाउ डिड आई फॉरगेट माई पेन इन क्लास अरे मैं अपना पेन क्लास में कैसे भूला इट शुडेंट हैव हैपन ऐसा नहीं होना चाहिए था प्रैक्टिस है वट डिफरेंट फीलिंग्स एंड इमोशंस डिड यू हीयर अबाउट सैडनेस अब आपसे सवाल किया जाता है कि मुख्तलिफ किस्म के एहसास या जज्बा जो गम या उदासी के बारे में हैं वो कौन से हैं यस आई हर्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस मैं मुख्तलिफ कस्म के एहसास और जज्बा के बारे में सुन चुका हूँ दीज आर ये है सैडनेस एंड अनहैपीनेस गमगे नाखुशी सौरफुल रेगरेट होपलेसनेस नाउमीदी डिस्ट्रेस डिजेक्शन ग्रीफ वो फुल उदासी क्वेश्चन नंबर टू है वाट आर द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग सैडनेस कौन से अल्फाज है जो उदासी को ज़ाहिर करते हैं इसका जवाब है देर आर मेनी वर्ड्स विच शोज़ ऑफ सैडनेस वहाँ कहीं सारे अल्फाज है जो गम के जज्बात का इजहार करते हैं आई हैव लर्न डेट इफ़ समन इज़ सैड और इन ग्रीफ मैंने सुना है कि अगर कोई उदास में उदासी में हो या गमगीन हो वी कैन से हम कह सकते हैं ही इज़ सैड वो उदास है इन ग्रीफ उदासी में है डिजेक्टेड वो फुल शॉरफुल ग्गीन है क्वेश्चन नंबर थी थर्ड है व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम सच इमोशंस ऑफ सैडनेस कौन सा सबक आपने इन जज्बात जो इन जज्बात से जो उदासी के जज्बात है उससे सीखा इसका आंसर है आई हैव लर्न डेट इफ़ समन इज़ सैड और इन ग्रीफ एट द टाइम वी हैव टू हेल्प हिम और हर मैंने हमने सीखा है कि अगर कोई उदास हो तो उसे हेल्प करना चाहिए मदद करना चाहिए चाहे वो लड़का हो या लड़की सैडनेस इम्प्रूवज़ जजमेंट सो वी कैन चेंज अवर थिंकिंग इस्टाइल उदासी से आप आपकी सोच में थोड़ी सी तब्दीली आती है आप अपने सोच विचार करने के तरीक़े को बदल सकते हैं वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज डैट सैडनेस कैन इंक्रीज़ योटिवेशन उदासी आपके मोटिवेशन को बढ़ाता है क्वेश्चन नंबर फोर है नेम द इवेंट्स इन विच यू एक्सपीरियंस द फीलिंग्स ऑफ सैडनेस यहाँ पर ऐसे वाक़ा का जिक्र करना है जिसमें आपने उदासी का तजुर्बा किया इसका आंसर है आई हैव एक्सपीरियंस द फीलिंग्स ऑफ सैडनेस मैंने उदासी का तजुर्बा किया वन आई गॉट लेस मार्क्स इन माई मैथ पेपर जब मैंने मेरे मैथ्स के पर्चे में कब नामदाद हासिल किए एंड मैन टीचर गिव्स पनिशमेंट इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास और जब टीचर ने पूरी क्लास के सामने मुझे पनिशमेंट दिया एक्सटेंशन एक्टिविटी है पैरल एक्टिविटी री मेक फैसिलिटर लिस्ट ऑफ़ एटलीस्ट टेन वर्ड्स एसोसिएटेड विद सैडनेस दस अल्फाज जो गम उदासी से मुंसलिक है बनाना है टू the sentences यूजिंग the above टेन वर्ड्स ऐसे सेंटेंसेस बनाना है जोर के दस अलफ के बारे में हो टू प्रजेंट दीज सेंटेंसेस इन द्लास और इन सेंटेंसेस को क्लास में पेश करना है इसका आंसर है पहला है सैडनेस सेकेंड ग्रीव थर्ड सॉरोफुल फोर अनहैप्पी फाइव ग्लोमी सिक्स सिक्स होपलेस सेवन डेस्पेयर एट रेगरेट नाइन डिजेक्टेड टेन वो फुल पहला का आंसर है आई एम सैड टूडे मैं आज गमगीन हूँ दूसरा है देर सून गेव वे टू एंगर उनकी उदासी जल्द ही ग़ुस्से में बदल जाएगी थर्ड ही हैज़ अनहैप्पी मोमेंट्स इन लाइफ उसकी ज़िंदगी में कई नाखुशी के लम्हात लम्हात है फोर्थ दर जॉयज आर फ्यू एंड शोरोज आर मैनी उनकी खुशियाँ कम है गम ज़्यादा है फाइव होपलेस द सिचुएशन सीम्स टू बी कम्प्लीटली होपलेस हालात यकी नाउमीदी जैसे हैं फैल्ट लोली एंड सेवेंथ है ग्लूमी ही वॉज ग्लूमी एंड एबसेंट माइंडेड वो उदास है और बेजहन है एट्थ है डिस्पेयर शी अटलेस क्राई ऑफ डिस्पेयर उसने उदासी का एक भी लफ वो नहीं निकाला नाइन्थ है रेगरेट आई है रेगरेट स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन अ कार मुझे अफसोस है कि मैंने इतना पैसा एक कार पे ख़र्चा किया टेंथ है वो फुल इट इज़ अ वो फुल एंड कॉम्प्लेक्स स्टोरी ये उदासी भरी और एक उलझी हुई कहानी है पैरल एक्टिविटी है अब एक कहानी यहाँ पर बयान की जा रही है छोटी सी डियर माँ आई हैव नीवर ट्रूली टोल्ड यू हाउ मच आई लव यू अज़ीज़ माँ मैं आपको नहीं बता सका कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ यू गेव मेयर लाइफ एंड मेड इट ब्यूटिफुल फॉर मी आपने मुझे ज़िंदगी दी और मेरे लिए, मेरे लिए खूबसूरत बनाया यू ऑलवेज़ मोटिवेटेड मी टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस एंड सपोर्टेड मी टू बिकम अ गुड ह्यूमन बींग थैंक्स माँ आपने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की मेरा हौसला बढ़ाया हिम्मत बढ़ाई मुझे मदद की एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद की आपका बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद है आपका हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी खुदा फेज